दोस्तों अभी हम मौजूद है गया के रेलवे स्टेशन पे। नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं उज्ज्वल और मैं शिवम, और आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज है नवरात्र का सातवां दिन और आज से गया में जितने भी पंडाल है वो दर्शकों के लिए खोल दिए जाते हैं। तो हमारा इस बार का प्रयास है कि जितने भी गया के अच्छे अच्छे पंडाल हैं हम उनको कवर करें और आप तक उन पंडालों को पहुँचाएँ और आपको दर्शन कराएं। तो अभी हम मौजूद है गया के बाईपास मोड़ पर और यहाँ भी हर वर्ष काफ़ी अच्छे भव्य तरीके से पंडाल बनाया जाता है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। और दोस्तों बाईपास पे जो नया पेट्रोल पंप बना है इसी के ठीक बगल से आपको ये पंडाल की जो शुरुआत है वो लाइटिंग आपको दिख जाएगा और आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं। और आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ मार्केट में, जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसको दिखाते हैं। दोस्तों अभी शूट करते हुए हमारे कुछ दोस्त मिल गए हैं, जानते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं। कहाँ से घूम के आ रहे हैं भाई? मैं अभी स्टेशन के पास आ रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ही भव्य मूर्ति है, तो आप लोग भी जाइए एक बार घूम के आइए। और स्टेशन पे भी स्टेशन है और भी कई जगह पर मूर्ति बैठा हुआ है, जो गया शहर में इस बार बहुत नए नए तरीका से मूर्ति बैठा है, नया नया पंडाल लगा है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग दर्शक लोग आएँ और गया जी में एक से एक मूर्ति का आनंद उठाएँ।
क्या बात भाई, क्या बोलोगे तुम भी घूम के आ रहे हो साथ में चश्मा उसमें पहन करके भाई अपना तैयार है, रात में चश्मा उसमें पहन के भाई अपना तैयार है। आइए बात करते हैं इनसे भी, जानते हैं ये भी कैसा लगा इनको पंडाल। बहुत सुंदर, बहुत भव्य मूर्ति था दुर्गा माता जी का, तो हम लोग नास्तिक मतलब गए थे हम लोग घूमते हुए, तो हमने इसको बोला चलो आते घूम कर, तो माता जी का दर्शन करते हुए। वैष्णो देवी का पंडाल भी है, केदारनाथ में राम मंदिर का भी बना हुआ है। बहुत खुशी हुआ कि हमारे गया तरक्की पे है ना, इस तरह के पंडाल हमेशा बनना चाहिए हर साल, और इससे कुछ और यूनिक होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लग गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम लोग और कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप लोग भी, ये हमारा जो भाई का यूट्यूब चैनल है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दबाएं। थैंक यू सो मच, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। दोस्तों केदारनाथ मार्केट से निकलकर अब हम लोग चल रहे हैं गया रेलवे जंक्शन की तरफ। और दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, और दिखाते हैं आपको कि यहाँ का पंडाल कैसा है। दोस्तों अभी हम मौजूद है गया के रेलवे स्टेशन पे, और देखें यहाँ का भव्य पंडाल। अभी हमने आपको दिखाया गया का बाईपास मोड़, केदारनाथ मार्केट और गया जंक्शन का भव्य पंडाल, जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और दोस्तों ये सिलसिला अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि गया में और भी बहुत सारे ऐसे पंडाल हैं जो हमारे देखने लायक हैं। लेकिन चूंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसको दो पार्ट में अपलोड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने तीन जगह की जो मूर्तियां हैं, जो पंडाल है, वो हमने आपको दिखाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के पंडाल है वो दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और उनके साथ शेयर जरूर करें जो अभी गया में नहीं है, गया से बाहर है, ताकि वहाँ रह के भी वो गया के इन सुंदर सुंदर भव्य पंडालों का दर्शन कर सके। बाकी दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों तो फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।